देखो यू ये पूरा है रेक्टेंगल इंक्लूडिंग ये मैंने सर्कल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यू में नहीं है, ये पूरा है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सेट्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की प्रॉपर्टीज़। उसमें एक प्रॉपर्टी देखेंगे हम डी मॉर्गन लॉ देखेंगे, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है जिसमें मैं सभी प्रकार के आपको नोटेशन बताऊंगा जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो सेट थ्योरी में नोटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी कभी क्या है कि वो आपको लैंग्वेज यूज ना करके क्वेश्चन में नोटेशन यूज करता है, तो मैं आपको नोटेशन भी बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसा कि आप देख रहे हो सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे किसका, एक सेट का निकालेंगे, जो क्या आएगा एक सेट ही आएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका नोटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी में जो नोटेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होता है कि वो कभी कभी ऐसे ये वर्ड ना बोल के वो आपको नोटेशन दे देता है। ओके, अब जिसको पता होगी तो वो फाइंड करके दे देगा। ओके, तो देखो नोटेशन देखो सबसे पहले, तो सेट ए है जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका नोटेशन होता है ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, यानी अगर किसी सेट के ऊपर आपको डैश लगा हुआ दिख गया तो इसका मतलब है कि आपको उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, अब बता रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं। देखो सेट ए है, ठीक है ना, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब एक सेट है तो इसका यूनिवर्सल सेट भी होगा, ओके यू मान लो। क्वेश्चन में आपको ये दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या क्या, एक तो वो सेट जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसका यूनिवर्सल सेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो देखो अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंस है ये यूनिवर्सल सेट और सेट ए का। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ कैसे। देखो U एक सेट होगा, A एक सेट होगा, तो डिफरेंस क्या होगा U माइनस A का, U में आपको देखना है कि A के कौन कौन से एलिमेंट हैं। ओके, तो U में A के जो जो एलिमेंट हैं उन्हें हटा देना, उसके बाद U के जो एलिमेंट बचेंगे उन्हीं को एक सेट में लिख देना, वही क्या होगा U माइनस A, इतना सा सिंपल है। लाइक जैसे हम नंबरों में करते हैं वैसा ही थोड़ा सा ये बेस रखता है, तो ये बिल्कुल सिंपल होता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है U माइनस A। ओके, अब इस पर एक एग्जांपल देख लो, देखो मैं यूनिवर्सल सेट दे देता हूं आपको, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हैं, और एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, या फिर वो ऐसे बोलेगा कि फाइंड द ए डैश। ओके, तो आप पहचान लोगे, यानी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, यू माइनस ए, जो कि क्या आएगा एक सेट ही आएगा। तो क्या बताया था मैंने कि यू में देखो ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो देखो यू में पहले तो ए में ही देख लो 1, 3, 5, 7, 9 है। अब देखो यू में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है यस, इसको हटा दो यहाँ से, 3 है यस, 5 है इसको हटा दो, 7 इसको हटा दो और 9 को। अब जो ये बचे हुए एलिमेंट हैं किसके, यू के, उन्हें एक सेट में लिख दो, वही क्या होगा यू माइनस ए होगा। तो 2, 4 बचा, उसके बाद 6 बचा, उसके बाद क्या बचेगा 8 बचेगा, उसके बाद 10।
ओके तो देखो ये होता है यू माइनस ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता सेट थ्योरी में। ओके तो इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लो। ओके इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको देख लो वो अच्छा है। ओके फिर उसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर्टियों पर लेकर चलूँगा। ठीक है ना, तो देखो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसी से बनेगा, इसकी डेफिनेशन से ही, ऐसा नहीं है कोई अलग। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशली एक लेक्चर मैंने उस पर लिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी आप समझ जाओगे। तो वेन डायग्राम में आपको पता है यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक रेक्टेंगल से। ओके रेक्टेंगल यू, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें जो सेट आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं जो भी, उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सर्कल के थ्रू। तो सेट ए मुझे लिखना है क्योंकि ये इसी के अंदर का है, तो ये हो गया मेरा सेट ए। ओके सेट ए हो गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, यू माइनस ए, मतलब इसको देखो ध्यान से, खुद में खुद ये बन जाएगा आपका कि U में से A के एलिमेंट हटा दो, U में से A के एलिमेंटों को हटा दो, जो U के एलिमेंट बचे उसके बाद वही क्या होगा U माइनस A, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा। अब यहाँ पर देखो देखो U ये पूरा है रेक्टेंगल इंक्लूडिंग ये मैंने सर्कल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये U में नहीं है, ये पूरा है। सेम लाइक ऐसे बच्चों जैसे आपके स्कूल में क्लास 11th है, ओके अगर मैं कहता हूँ आपका स्कूल, तो स्कूल में आपकी क्लास भी तो आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी क्लास 11th एक स्पेशल बॉक्स यानी एक स्पेशल रूम में है तो वो आपके स्कूल में नहीं है। भाई स्कूल में तो ऑब्वियसली पहले से ही है वो, बस ये है कि उस क्लास को अलग कर दिया गया है क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप के बच्चे पढ़ते हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड में हैं। सेम लाइक यहाँ पर यू पूरा एक स्कूल समझो, ओके उसमें अपनी क्लास 11th को समझो आप ए, जैसे कि ये बना हुआ है मैंने ए। ओके अगर मैं आपसे कहता हूँ स्कूल, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा इंक्लूडिंग ये। ओके सेम लाइक यूनिवर्सल सेट, ये पूरा ओके उसमें एक उसका प्रॉपर सबसेट है ए, जो कि आपकी क्लास 11th आप समझ सकते हो। ओके तो अब देखो कि यू में से ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले हैं है ना, मैंने मुझे ये हटाने हैं यू माइनस ए में, अगर फाइंड करना है तो ए के एलिमेंट सारे हटाने हैं, यू में से हटा दो इन्हें, निकाल दो। अब बचा क्या यू का, केवल ये वाला रीजन ही तो बचा, इस सर्कल से बाहर का और रेक्टेंगल के अंदर का, जहां पर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये हो गया यू माइनस ए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये हो गया ए डैश, या फिर आप कह सकते हो यू माइनस ए। ओके भाई ए हटाते हैं ना, ए हटा तो दिया मैंने इसमें से, ये इतना था ए और निकाल दिया उसको, तो बचा कुचा क्या हुआ, इस सर्कल से बाहर और रेक्टेंगल के अंदर वाला, वो क्या होगा यू माइनस ए, बस वही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है। ओके बच्चों तो ये होता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। ओके तो देखो इसमें ये डेफिनेशन होता है वेन डायग्राम। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की प्रॉपर्टी, जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, नाम से ही प्रॉपर्टी होती है, डी मॉर्गन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसका यूज जो सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके सॉल्यूशन में किया जाता है। ओके तो देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट होता है कि ए यूनियन बी, ए और बी क्या है दो सेट हैं, उनके यूनियन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ओके दूसरा इसमें पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ओके तो दो सेटों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों साइडें इक्वल रहेंगी। ओके, आप किसी टाइप से भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। ओके, तो ये डी मॉर्गन लॉ होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, एक सेट ए है, ओके, इस सेट का इसी के कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन किया जाए तो वो क्या आएगा, यानी कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर आएगा यूनिवर्सल सेट यू के बराबर। ओके, तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है ये यूनियन है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज यूनियन और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट वाला यू है। ओके, तो ये यूनियन यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर ये साइन यूनियन का है। ओके, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर सेट ए का उसके ही कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन फाइंड किया जाए तो वो क्या आता है, फाई आता है, यानी कि इम्पटी आएगा, यानी कि आपको सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब जब कॉमन नहीं होगा तो वो क्या आएगा, फाई आएगा। ओके, तो ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड होती है कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लो, फिर दोबारा से एक सेट ही आएगा वो, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो ये क्या आता है, आपका सेट ए ही आ जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सेट ही होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है लास्ट, आपके पास एक एम्प्टी सेट फाई है, ओके, उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू होती है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट आएगा। कैसे आएगा, तो फाई एक सेट है जो कि क्या है, एम्प्टी है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। कैसे होता है, इस पर डेफिनेशन अप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट की, क्या होगी, यू माइनस फाई होगी। ओके, ये डेफिनेशन होती है भाई, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं क्या होता है उसका मतलब, यू माइनस ए, ए हमारा क्या है यहाँ पर फाई, तो यू माइनस फाई, अब फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसमें से क्या हटाओगे, कुछ नहीं, तो खाली यू बचेगा बस। तो देखो सोचो ऐसे होता है इसमें, जैसे नंबरों में हमारा जीरो वर्क करता है ना, वैसे ही सेटों में ये फाई होता है। ओके, तो अगर आपको किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करना हो तो वही नंबर आ जाएगा ना, तो ऐसे सोच सकते हो कि यू में से फाई यानी कि जीरो सब्ट्रैक्ट करा तो यू आ जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो ये बराबर होता है किसके, फाई के। क्यों होता है, इस पर भी डेफिनेशन अप्लाई करो। किसी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ए डैश, तो उसकी वैल्यू होती है यू माइनस ए, यही वैल्यू इस पर अप्लाई करो, तो यू तो आएगा ही, यू तो आता ही है डेफिनेशन में, माइनस वो सेट आता है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम यू का फाइंड कर रहे हैं तो यू आएगा यहाँ पर, तो ये यू माइनस यू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यू में से पूरे सेट यू को हम हटा देंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं, जब कुछ नहीं बचेगा तो उसको क्या कहते हैं, हम फाई बोलते हैं, सेट के अंदर जीरो तो लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो जैसे हमारे नंबरों में होता है वैसे ही फाई यहाँ पर होता है, तो सेम क्या हो गया, फाई। तो ये देखो फोर प्रॉपर्टी हैं। अब ये प्रॉपर्टी कैसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ये आपको ऐसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी जैसे लिखी हुई है कि फाई डैश किसके बराबर होगा, ऑप्शन वो आपको दे देगा, यू डैश किसके बराबर होगा वो आपको ऑप्शन दे देगा, कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा, ऐसे दे देगा। ओके, तो इसमें से केवल फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ओके, तो इसको सही से कर लेना, बाकी ये इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो नहीं होती हैं, ये कम होती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है।